ने जो है सांप देखा है, क्योंकि सिर्फ आदि तो चलाना। Hey guys, welcome back to our channel. So finally जो है हम लोग की फ्रिज सो फाइनली जो है हम लोग की फ्रिज डिलीवर हो गई है कल, एंड फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर की थी. एज यू ऑल नो, लास्ट टाइम के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत टाइम से चल रही 20-22 साल बाद जो है हम लोग फ्रिज चेंज कर रहे हैं. अभी भी वो ख़राब नहीं हुए, बट उसका बॉटल वाला सेक्शन टूटा हुआ था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी बॉटल वगैरह रखने में. इसी वजह से हमने न्यू फ्रिज ली है, एंड ऑनलाइन ही लेना था बिकॉज सेल चल रही थी, हम सेल का ही वेट कर रहे थे. सेल में जो है हमने पसंद की थी 2-star 322 liter की सैमसंग की, तो हमने जो है जस्ट टू नो कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, फिजिकली देख ले कैसी है फ्रिज. तो इसलिए हमने जो है क्रोमा के स्टोर में जो कि वृंदावन में वहाँ पे विजिट किया, तो वहाँ पे भी हमें पसंद तो आ गई. 2-star वाली सैमसंग की पसंद की थी, बट जो है वो 39 के आसपास उन्होंने बताया था. थोड़ी सी महंगी लगी बिकॉज ऑनलाइन 32 के अराउंड हमने देखी थी 2-star वाली. तो जब हम लोग ऑर्डर करने गए तो 2-star वाली आउट ऑफ स्टॉक हो गई बिकॉज सेल चल रही थी, एंड वो लास्ट डे था सेल का. तो सिंस की 2-star अवेलेबल नहीं थी, आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो हमने 3-star पे आना पड़ा. 3-star 322 liter सैमसंग की जो हमने ऑर्डर की, तो कार्ड वगैरह लगा होगा कि जो है हमें 32.5 के आसपास पड़ी. वो उम्मीद तो नहीं थी इतनी जल्दी डिलीवर हो जाएगी, बट हो गई है. फ्लिपकार्ट की तरफ से मैसेज आया था कि उसको जो है तुरंत ही चेक वेक करके वीडियो वगैरह बना लेना, अगर कुछ डैमेज होगा या कुछ आइटम मिसिंग होगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब कुछ भी डैमेज वगैरह नहीं था, सब कुछ हमने तुरंत ही चेक किया. एंड बस आज जो है उसका इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आएगा, बट हमने उसका वेट नहीं करना है, वो पता नहीं शाम हम तक आएगा शायद. मन में हो रहा कि उसको करवा के ख़त्म करें बिकॉज हमें जो है हाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है. बिकॉज हमने जो 2-star वाली देखी थी ना, वो हाइट परफेक्ट थी, वहाँ पर एकदम सेट बैठ जाती, बट ये 3-star है तो थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है. अभी जा रही हूँ पुरानी वाली फ्रिज को निकाल करके, ये खाली वाली करके हटा के उसी के प्लेस पे नई वाली को प्लेस करना ना. तो चलो जी करते हैं. हाँ, बड़ा काम है, कम है. तो अभी फ्रिज थोड़ा सा बड़ी लग रही है, अभी हाइट नापी जा रही है, देखते हैं. ये भाई साहब नापे आपे थे, धोखा हो गया. पता है व्हील वाला मैंने ही कंसीडर किया था, व्हील वाला मैंने कहा व्हील से है कि कहाँ से है. सो अभी ये वाले एरिया से फ्रिज को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा गंदा था तो यहाँ पे जो है हारपिक डाल के छोड़ दिया है, बिकॉज ऐसे नॉर्मली ये साफ नहीं हो पाता. जा रहे नाश्ता वास्ता करने, एंड उसके बाद इसको क्लीन करके फिर फ्रिज को यहाँ पे लाएंगे. सो आज नाश्ते में बनाया उपमा, तो जा रही हूँ अब खाने. सो अभी इसको भी पूरा साफ ऑफ कर लिया है, अभी ये ड्राई हो रहा है. बाकी ये इधर फ्रिज. अच्छा, ये वीडियो सैमसंग वालों ने यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड किया है, इसमें पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग भी फॉलो करने जा रहे हैं. तो अभी नेक्स्ट स्टेप है इसके सारे जो है टेप्स वगैरह को निकाल के अंदर से पूरा क्लीन करने का. ये बताओ क्यों लगाया है? अरे ताकि पैकिंग में इधर उधर हिल हिल के. हाँ, बता दिया है, मुझे नहीं बता पाओगे. सो भी सारे टेप्स को निकाल लिया है, एंड उसको जो है क्लीन कर लिया है कपड़े से नॉर्मल. सो बस अभी देख लिया है पूरा वीडियो, बाकी जो है बोर्ड में लगा लगा के 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद ही जो है पूरा सेटअप वेटअप करेंगे. ये फ्रीजर का सेक्शन है, ये फ्रिज का सेक्शन है, ये कम ठंडा, ये ज़्यादा ठंडा. फ्रीजर अभी -19 है, इसको -23 पहुँचाना, -23, तो ये अभी हाइएस्ट है फ्रिज का, इससे ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाएगा. बीच में रखते हैं 19 पे, फ्रिज को रखते हैं अपन 3 पे 2 पे. फ्रीजर कन्वर्ट, इससे क्या होगा, फ्रीजर जो है, जो ये ऊपर वाला सेक्शन फ्रीजर है, ये फ्रिज बन जाएगा. ये बट इसके लिए क्या करना है, आपको 3 सेकंड तक दबाना है. देखो अब ये फ्रिज बन गया, देखो ये ऑफ हो गया पूरा, अब ये फ्रिज बन गया है, और इसको ऑफ भी कर सकते हैं. जैसे 3 सेकंड दबाओगे, देखो ऑफ हो गया, अब ये फ्रीजर ऑफ है. अगर मोड चेंज करना है तो 3 सेकंड दबाना पड़ेगा, अगर सिर्फ इसको स्विच करना है तो 1 सेकंड दबाना. पावर फ्रीजर, तो इसको दबाने से मेरे को लग रहा है फ्रिज एकदम हाईएस्ट चला जाएगा. फ्रिज पावरफुल, ये वाला चलना चाहिए. हाँ, ये अब हाईएस्ट हो गया, मतलब फ्रिज का और फ्रीजर का हाईएस्ट है. ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट बेस्ट कॉन्फिगरेशन. चलो
अभी तो फिलहाल यहाँ पे रख दिया है, उतना अच्छे से सेट तो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस रैक, और टच में आ रहा है। सो अभी रैक को थोड़ा सा कट किया है ताकि फ्रिज जो है अंदर अच्छे से चला जाए, तो अभी सही है। मतलब सो ये अभी पूरा फ्रिज सेटअप वेटअप कर दिया है, ये तो अभी खाली ही है फ्रीजर। अच्छा खासा ठंडा हो गया, बड़ा बढ़िया लग रहा खोलते ही। एंड ये भी अभी ऐसे ही रख दिया है। अभी मुझे ये पॉलीथीन हटानी है, इनका कुछ आता होगा बैग वगैरह ना फ्रिज में रखने के लिए, जिसमें वेजीज वगैरह स्टोर कर सकें, तो वो मंगवाऊँगी, उसी में रखूँगी। अभी ये बचा कुचा क्लीन करना है, अभी लेट हो गया है तो जा रही हूँ खिचड़ी बनाने। मैंने इधर गूगल मेरी हेल्प कर रही है आज, ये देखिए बर्तन धुल रही है गुगलू, कितना प्यारा बच्चा है। वैसे भी मुझे ये रोज ही करना है क्योंकि सिर्फ आती तो चलाना कुछ है, मैं तो कितना करना। नहीं नहीं आप रोज मत करो, नहीं नहीं आप रोज मत करो, कभी कभी कर देना ठीक है, जब मम्मा के पास बहुत ज्यादा काम रहेगा ना तब आप कर देना ठीक है। थैंक यू चिक्की फॉर हेल्पिंग मम्मा, यूर वेलकम। कितना चमकाओगे बेटा, कितना चमकाओगे, इतना तो मम्मा भी नहीं चमकाती है। तो अभी मम्मी ने जो है सांप देखा है ये गत्ते के नीचे, ये फ्रिज वाले है पापा। ये रहा सांप मोनू, मैं इधर से नाचे गया इधर, तो मैं बोला गत्ते के नीचे बैठा होगा, तो इधर मार के भगा। गत्ते के अंदर तो नहीं है पापा, अंदर नहीं है, भाग गया मम्मी आपको। ये मम्मी ये कोहरा है, कद्दू का हाथ ना लगे ये मर जाएगी। अच्छा ये बात है, नीचे मर गई है। बाकी इलायची इसमें से निकल रही नहीं थी तो पापा ने काट दिया कल इसको। अच्छा खासा यार पूरा यहाँ आते ही, लेकिन बड़ा प्यारा लगता था, भले जंगल था लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लगता। क्या बेटा धुल करके उसी में रखते जा रहे हो क्या? आप धुल के मम्मा को दे दो, मम्मा रख दे वहाँ पे ठीक है, उसमें नहीं रखना है, धुल के देते जाओ। आई लव यू चिक्की, धुल दी मम्मी बर्तन, गूगल बर्तन धुल दी भाई। टेल मी हाउ इज द फ्रिज, यू लाइक इट, यू कैन हाइड इन, यू कैन आल्सो मेक वन थ्री थम्स अप सेज। ओके ऑलराइट, बड़ी वाली टेबल थी वो हटा के यहाँ पे छोटी टेबल रख दी बिकॉज इंडक्शन रखने के लिए। ये अभी हटाना है, ये वो वाला एरिया साफ किया है एंड इधर भी पूरा क्लीनिंग हो गई है। आलू मेरी खिचड़ी भी हो गई है, थोड़ी सतरंगी सी हो गई है, कहीं मसाले प्रॉपर हुए हैं लगे हैं कहीं नहीं पहुँचे हैं, जल्दी जल्दी में बना था एनीवेज, बट टेस्ट कर लेती हूँ खिचड़ी भी, कैसी टेस्ट बताऊँ। पहले मैं ये वाला खिचड़ी, तो खिचड़ी है लेके आता था, ये वाला बढ़िया चलो। सो अभी नाविक भी उठ गया है, बाकी गूगल जो है अपने पैरट्स को खिला रही हूँ। गूगल सी हाउ इज होल्डिंग द पैरट, ओ माय गॉड, स्लोली स्लोली गूगल टीच हिम हाउ टू डू द नाइस, हाँ स्लोली स्लोली, नाइस नाइस नाइस, डोंट टच, नाइस वेरी नाइस, डोंट टच, नाइस वेरी नाइस, नाइस नाइस, स्लोली स्लोली, नाइस ना। आज पता नहीं मेरा बच्चा मुझे जीने देगा कि नहीं देगा, इतना काम करेगा क्या भाई ये लड़का, पूरे फेस पे सोप सोप लगा रखा है। तो अभी जो इंस्टॉल करने वाले आने वाले थे ना फ्रिज को, उन्हीं का कॉल आया था आ रहे हैं, मैंने उनको बताया नहीं कि हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिए, मुझे लगा फिर ना आए, इसी वजह से मैंने कहा आ जाए वो देख ले सब कुछ सही है नहीं, अपने एंड से जो इन्फॉर्मेशन उनको देनी है वो दे दें, इसी वजह से उनको बताया नहीं है कि इंस्टॉल कर लिया है। इसको फ्रीजर बोलते हैं, ये फ्रिज हो गया ठीक है सर। फ्रीजर में कोई भी टेम्परेचर सेट करना है तो इसको एक एक बार प्रेस करिए, टेम्परेचर सेट हो जाएगा। इसी तरह से फ्रिज में भी है, मीडियम आपका ये रख सकते हैं, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। तो अगर फ्रीजर का यूज नहीं है तो आप इसको फ्रिज बना सकते हैं, बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा, ये हो गया आपका फ्रिज। अगर आपको यूज ही नहीं करना है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं 3 सेकंड फिर दबाइए। एक चीज और भी होती है,
पावर फ्रीजर पावर कूल। कोई फ्रीजर में हाई कूलिंग चाहिए हो आपको तो पावर फ्रीजर को 3 सेकंड दबा करके ऑन कर लीजिएगा, ये वाली लाइट जलेगी। आपको फ्रिज में हाई कूलिंग चाहिए तो ये वाली लाइट चलेगी, 3 सेकंड इसको भी दबाइएगा। इसमें एक वैकेशन मोड होता है सर, जो कि आप जैसे मान लीजिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो मिनिमम ये 29 दिन तक वर्क करेगा केवल। जैसे 30 दिन हुआ वैसे ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, नॉर्मल मोड पे अपने आप आ जाएगा। ये आपका 17 डिग्री टेम्परेचर पर रहेगा केवल, ताकि कोई स्मेल जनरेट ना हो, कोई फंगस ना लगे, मगर सामान सब हटा देना। ये ऊपर वाली मिनी फ्रिज के रूप में आप ऑन करके जा सकते हैं। अरे 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 दोनों ही आ गए। अच्छा दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह नहीं पाते हैं, एक जहाँ जाएगा दूसरा उसी के पीछे जाएगा। सोचो कि एक बैठे उधर जब तो लग रहा है सो जाएगा, थोड़ा और ऐसे कर देंगे तो बोलो शैल आई लीव हिम नाउ, आई थिंक ही वांट्स टू गो नाउ। बाय कोको बाय। Several days later. Good morning guys. So, आज है नवमी, बाकी अभी पूजा उजा की तैयारी हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। जिस दिन फ्रिज का इंस्टॉलेशन हुआ था ना उसी दिन जो है हमारा जो पैरट था ना कोको और टेल जिसका हमने नाम रखा था, उसमें से जो कोको है ना उसकी डेथ हो गई। पता नहीं कैसे यार, केज में ही था एंड 5 मिनट पहले ही मुश्किल से मैंने उसको खाना वाना दिया होगा, खाया वाया एंड हम लोग इधर बातें आते कर रहे थे एंड जब थोड़ी देर बाद जब मैं गई तो देखिए वो केज में उल्टा डेड पड़ा हुआ था। मतलब ले आना उनको पालना आना बड़ा आसान है, बट यू नो उनको कुछ होता है फिर उसके उस ग्रीफ के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। वो बड़ा ही बुरा लगा था उस दिन है ना, रात में गूगल तो बहुत रो रही थी तो समहाउ भी मैनेज कर उसको समझाया कि कोई बात नहीं, उसकी तबीयत ख़राब होगी या कुछ हो गया होगा, कोई बात नहीं। एंड अभी ये टेल है ना हमारे साथ, इसी को प्यार करते, इसी को अच्छे से यू नो पैम्पर करके रखते हैं, अच्छा अच्छा खाना आना खिलाते हैं, ऐसे इसको समझाया हम चाहें। तो अभी चीज़ हैप्पी विद द टेल। तो अभी फ़िलहाल यही प्लान है कि यही अच्छे से जी जाग जाए, इसको कुछ ना हो एंड अभी नेक्स्ट टाइम सिर्फ ये बर्ड्स वगैरह नहीं रहेंगे, बहुत दुख होता है। या चलो अभी पूजा वूजा की तैयारी करते हैं। माँ के इधर लग रहा है आटा, तो बस गैस हलवा बन चुका है, बाकी चना भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है एंड इधर बन रही है पूड़ी, मम्मी बेल रही है, मैं छान रही हूँ। सो मंदिर में जोत वगैरह करके प्रसाद चढ़ा दिया, अब जा रहे हवन की तैयारी करने। अरे हो खुद ही दक्षिणा की पोटली रख के आपसे कह लेंगे दक्षिणा। बस चलो भाई हो गई पूजा, लड़का मीटी वेरी गुड ईटिंग विद दादा, ये नौ दिन के बाद बोल तो रहे थे कि एकदम से नहीं खाएंगे पूरी, लेकिन कोई बात नहीं खा ले, अब सुबह सुबह कौन रोटी बनाने जाए, सब पूरी खा रहे, कम खा लेना कोई बात नहीं लेकिन पूरी खा ले। गुड बॉय, ए गूगल खिला भाई बेबी को मेरे, इट 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 इट, देखो सी हाउ बेबी इज ईटिंग द चना, वेरी नाइस, he is very chator, Google is also eating, very good Google, baki here apna idhar tail, what will you do with that money, toys, matlab beta baby ka money hai। हाँ दीदी टेकिंग योर मनी, वेरी बैड, दे दो बेटा बेबी को दे दो प्लीज दे दो, भूख लो।
सो ये कन्या के नाम से प्रसाद निकाला था ना, तो वही अभी जा रहे गाय को खिलाने। सामने वाले घर में गाय है तो वहीं पे चल रहे। कम लड्डू, कम कम कम। चकचो नहीं लग रही है ना? इधर आ जा लड्डू। वो खाने खाती जा रही है। चल बस 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 चल।